हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने वाले हैं मोल्डिंग क्ले जो कि यहाँ पे है। ये दोस्तों 20 रुपये का पैक है, आपको आपके मार्केट में या स्टेशनरी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 साल के बच्चों के लिए है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पैकेट कुछ और है। और आपके यहाँ जो पैकेट मिलता है वो कुछ और हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल होता है ये दोस्तों इसी तरह का होगा। यहाँ पर कई तरह की जो क्ले होती है वो आती है मार्केट में, लेकिन दोस्तों ये जो आज हम आपको क्ले दिखाने वाले हैं ये थोड़ा सा हटके है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो ये मोल्ड हैं यहाँ पे हमें दो मिलते हैं, ये एक स्टार शेप का और ये एक ट्रक शेप का। यहाँ पे दो हमें मोल्ड मिले हैं और इसके अंदर ये मिली हैं हमें क्ले। ये छोटे छोटे से पीस हैं क्ले के। ये दोस्तों 20 रुपये का पैक है और इसके अंदर हमें 8 स्टिक्स देखने को मिलती हैं। ये देखिए, ये पिंक, वाइट और यहाँ पे इतने सारे हमें मिले हैं कलर देखने के लिए। और अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों इसको जैसे ही हमने तोड़ा तो ये बहुत ही सॉफ्ट था और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस तरह से नॉर्मल जो क्ले होती है टेराकोटा क्ले ये उसी तरह से है, बिल्कुल मिट्टी की तरह। बस इसमें यह फ़र्क है, ये हाथों में नहीं चिपकती है जिस तरह से मुल्तानी मिट्टी होती है, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी के जैसा। यहाँ पे ये बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा था। बस इसमें ये एक ख़ास बात है कि ये कलर्ड है। और अब हम इसमें से कोई भी शेप बनाने का ट्राई करते हैं और इसको सुखाएँगे, बाद में देखेंगे कि ये क्ले सूखता है या नहीं सूखता है। अगर आपके पास या आपके मार्केट में इस तरह का क्ले मिले तो आपको किस तरह से अपने पसंद का क्ले चुनना चाहिए, तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने एक एयर ड्राई क्ले का वीडियो बनाया था, जिसमें कि हमने आपको जो रेडीमेड जो थर्माकोल क्ले होती है वो दिखाई थी। उसका रिस्पॉन्स आप लोगों ने बहुत ही अच्छा दिया, तो इसीलिए हम ये एक और क्ले का वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर हमने ग्रीन तो दोस्तों इसको हमने कुछ इस तरह से बना लिया है और यहाँ पे स्टार शेप का जो मोल्ड मिला है हमें उसे यहाँ पे इस तरह से काटने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये आसानी से तो नहीं कट रहा है, इसमें हमें और भी इस तरह से हाथ लगाकर इसकी जो फिनिशिंग है वो देनी होगी। और ये हमारा स्टार शेप बनकर तैयार हो चुका है, तो यहाँ पे ये इस तरह से दिख रहा है, इसको रख देंगे साइड में। और अब दूसरा यहाँ पे जो ट्रक मोल्ड हमें मिला है उसका भी एक पीस हम यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऑरेंज क्ले लिए हैं, इसको भी हम मिक्स करेंगे और इसको भी इसी तरह से बनाकर फिर से इसको काट के रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस मोल्ड को भी कट कर लिया है, ये जो ट्रक शेप का था इसको अभी हमने क्ले से कट कर लिया है और इसको भी रख देंगे साइड में। ये देखिए, ये भी बहुत ही लूज़ है, देखते हैं इसको सुखाकर कि ये सूखता है या नहीं सूखता है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये क्ले अगर किसी भी जगह पे लग जाता है तो ये इतनी आसानी से नहीं छूटता है। यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ था उसको भी हमने इस तरह से मिक्स कर लिया था और इसको भी हम कुछ बनाने का ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बचे हुए क्ले हैं इसको रख देते हैं इस पैक में। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें सूखने देते हैं, जो ट्रक शेप हमने काटा है, जो स्टार शेप काटा है, इन सबको सूखने के लिए छोड़ देंगे लगभग 2 से 3 घंटे। देखते हैं ये कितना सूखता है, या ये सूखता भी है या नहीं सूखता है। तो चलिए, यहाँ पर ये हमने इसको रखे हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया है, जैसे हमने इसको बनाया था जितना मुलायम तब था उतना ही मुलायम अब है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये वाला क्ले इतनी आसानी से नहीं सूखेगा, हो सकता है 5 से 10 दिन रखने पर ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये टाइट होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये मोल्डिंग क्ले आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरह की होती है। और ये बस आप समझ लीजिए कि जिस तरह से मुल्तानी मिट्टी होती है सेम उसी तरह से होती है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद।